हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि रिलेटेड होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से। और ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर सीटेट पेपर वन और पेपर टू के लिए, और बाकी टेस्ट के लिए भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, टू अनेबल स्टूडेंट टू मेक कॉन्सेप्चुअल चेंज इन देयर थिंकिंग अ टीचर शुड, यानी कि एक टीचर होने के नाते आप ऐसा क्या करोगे कि स्टूडेंट्स में या स्टूडेंट की थिंकिंग में कॉन्सेप्चुअल चेंज आ जाए। तो जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा, मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस, हम उनको एकदम स्पष्ट और कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देंगे एंड हैव डिस्कशन विद द स्टूडेंट, और साथ में स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे, डिस्कस देंगे ताकि उनके थिंकिंग में कॉन्सेप्चुअल चेंज आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन, प्राइमरी स्कूल क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब क्या है, यानी कि बच्चे कब ज़्यादा सक्रिय होते हैं, कब ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, इंक्वायरी क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, यानी कि पूछताछ करना, सवाल जवाब करना और वाद विवाद करने से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके आइडियाज़ क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, इस तरीके से वो नई नई इन्फॉर्मेशन को इजीली रिसीव कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी, यानी कि बच्चे तब ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जब वो किसी गतिविधि में पार्टिसिपेट लेते हैं या भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा करेक्ट है, आउट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अपनी रुचि से। ठीक है, जब उनका इंटरेस्ट होगा किसी भी काम को करने के लिए तब वो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, क्रिएटिव होंगे। या फिर आप सोचो कि स्ट्रेस में आके वो किसी दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें, या फिर टीचर की डांट से बचने के लिए, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब वो उनकी रुचि होगी, जब उनका इंटरेस्ट होगा, तो वो अच्छा या क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया, यानी कि भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्लासरूम क्या है, मल्टी लिंग्विल है, यानी कि बहुभाषिक है, एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज बाय द टीचर, तो टीचर को इसको किस रूप में देखना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा, एक रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में देखना चाहिए, बिकॉज एक ही क्लासरूम में क्या होते हैं कि बच्चे अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उन्हीं को बोला गया है कि मल्टी लिंग्विल होते हैं, तो टीचर को इसको प्रॉब्लम या फिर ऑब्स्टेकल या फिर बॉदर के रूप में ना देखकर एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, तो एक टीचर होने के नाते आप उनको कैसे देखोगे, कैसे हैंडल करोगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर जो होगा वो होगा सी, शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग, यानी कि उनके चिंतन के समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अगर वो मिस्टेक्स करते हैं और एरर्स करते हैं तो आप उनको एक बोल दो कि एक वीक बच्चा है, गलतियां ज़्यादा करता है, या फिर अगर कोई बच्चा है वो गलतियां बहुत कम करता है, एरर कम करता है, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो उनको इन कैटेगरीज में नहीं डिवाइड करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, एक अवसर प्रदान करेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से अपने थिंकिंग में और चेंजेस ला सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड, कि किसने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव बिल्डर्स होते हैं नॉलेज के, और लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जो अपने थ्योरीज यानी कि दुनिया की अपनी थ्योरीज खुद ही बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है हमारा वो है कौन, पियाजे ने ऐसा कहा था कि बच्चे क्या होते हैं, नॉलेज के बिल्डर्स होते हैं या लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जो अपनी थ्योरीज वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी मींस, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या मतलब है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो है करेक्ट आंसर, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि हम बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो है करेक्ट आंसर। और ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, सीटेट हो या फिर कोई भी अदर टेट्स हो, जितने भी आपके इंडिया में टेट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, ए टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय, कि एक टीचर किस तरीके से बच्चों की सहायता कर सकता है
एक जटिल स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है या फोर्थ है वो है करेक्ट आंसर, ब्रेकिंग द टास्क इंटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, किसी भी आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को क्या करो, एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करना। ठीक है, मतलब एक टीचर होने के नाते हम उसको बता सकते हैं स्टूडेंट को किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, कि उनको क्या करना है कि किसी भी टास्क को हम स्मॉलर पार्ट्स में क्या कर दें, बांट दें, ब्रेक कर दें, एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन, और उनकी इंस्ट्रक्शन जो भी दिशा निर्देश हैं उनको लिख लिया जाए, तो इजीली हम उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ के। नंबर नाइन्थ है एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट रिसीव्ड, यानी कि आप ऐसी उम्मीद करो कि जो स्टूडेंट है आपका वो जैसे उसने नॉलेज को रिसीव किया है वैसे ही वो रिप्रोड्यूस कर दे, यानी कि पुनः प्रस्तुत कर दे जैसे उसने रिसीव किया है, सेम एज इट इज़। तो ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि इज़ प्रॉब्लमेटिक, मतलब कि ये समस्यात्मक है, बिकॉज इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एक्सपीरियंस, जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक इंसान होता है, वो अपने एक्सपीरियंस को व्याख्या कर सकता है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस की वो व्याख्या कर सकता है, बट क्या नहीं कर सकता है, एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉलेज एट इट इज़ रिसीव्ड, कि वो स्टूडेंट्स या कोई भी इंडिविजुअल है, कि वो स्टूडेंट या फिर कोई भी वो इंडिविजुअल है, जैसा उसने नॉलेज रिसीव किया है वो वैसा का वैसा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है टेंथ, क्वेश्चन नंबर टेंथ है व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ए प्रॉब्लम इन ग्रुप्स देयर लर्निंग कर्व, यानी कि स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी प्रॉब्लम को एक ग्रुप में डिस्कस करें, तो इससे उनका जो लर्निंग कर्व होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा बिकम्स बेटर, उनका लर्निंग कर्व क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स क्या होंगे, अपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे, जिससे कि उनको अलग अलग आइडियाज़ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।